मैं 9 के पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए भी गैल गैल दावत देता रहूँगा। तो हमारे इस वक्त 3 अहदे में फायज हैं, बड़े ही फाल कारकुन हैं और जोशीले कारकुन हैं। अडाड़ी से ताल्लुक है भाई अकबर चौहान साहब तशरीफ लाएंगे, अपने बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नौरा के बारे में मिर्ज़ा साहब ने तकरीबन काफ़ी सारी डिटेल में चीज़ें बता दिया। जो आज की कॉन्फ्रेंस का मकसद है उसके अंदर जो चीज़ें हमारे सामने थी, जिस तरह के अभी आफ्ताब भाई आए, अभी पिछले दिनों हम सिंध गए थे, वहाँ अपने सिंध हरियाणवी भाइयों ने मिले और हमने वहाँ भी बहुत सारा पोटेंशियल नज़र आया। जहाँ तक नौरा की बात है, नौरा तो जिस तरह के बहुत सारे दोस्त जाना राव नसीम भाई बैठे हैं, ये माशाल्लाह जब हरियाणवी आवाज़ पाकिस्तान पेज जो था उस वक्त के माशाल्लाह साथ हैं, तो मिर्ज़ा साहब जिक्र कर रहे थे पेज का, तो पेज के साथ ही ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बने, उसमें भी साथ थे माशाल्लाह। जो पहला हमारा नौरा के प्लेटफार्म पर पहला मुशायरा हुआ उसके भी रूए रुआ थे, तो और बहुत सारे प्रोग्राम इन्होंने पहले भी माँ बोली वास्ते कर रहे। आज का मकसद भी हमारा यही था कि जितनी हमारी जो तंजीमा हैं जो कि अपनी हरियाणवी माँ बोली वास्ता पहले भी काम कर रही हैं या हरियाणवी माँ बोली के वास्ता किसी तरह का एक दर्द रखा कि हमारी माँ बोली और रस्म और रवाज कल्चर सकाफत आम हो, उसके वास्ते जो भी तंजीमा जो शख्सियात उसमें अपना किरदार अदा कर सकें उनको बुलाया जावा और ताकि उनके साथ गुफ्तगू शनीद भी हुआ, हम अपनी चीज़ें उनके सामने रखा और उनके व्यूज़ का भी मुस्तफ़ीद हों कि वो ये चीज़ इसके बारे में सजेशन करा। बहुत सारी बातें तो हमारे सिंध के दौरे में साथियों के साथ होती रही और बहुत ही प्यारे प्यारे साथी मिले, डॉक्टर साहब बैठे माशाल्लाह, इनके पास भी रिया सिटी राणा शेर मोहम्मद के पास बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई हमारी और सही कह रहे थे आफ्ताब भाई, हमने वाकई इतना नहीं तो थी कि वहाँ पर भी इतना अपनी बोली के बारे में सारे दोस्त रखा। जब हमने कैदे का बताया वो सारे ने पूछा भी कैदे बनाया तलफ़ आपने किस तरह करे, वो सारी चीज़ें पूछियाँ। तो अभी गुजारिशात मुख्तसर क्योंकि करूँगा मैं कि आप जितने साथी आए हो हम ये तो रखा कि आप लोग जो है अपनी माँ बोली वास्ते जितना किरदार अदा कर सको अपनी जगह पर भी करो और नौरा के साथ भी मिलकर करो। तो आप तो ये गुजारिश है कि माँ बोली का जो कर्ज है ये हम सब के ऊपर है, जिस तरह के माँ के दूध का कर्ज है उसी तरह ये माँ की बोली का कर्ज हमारे ऊपर है सबके, और हम उम्मीद भी रखा पहले भी सारे साथी हमारे साथ माशाल्लाह चल रहे हैं। तो बाकी तफसील में मैं बाकी चीज़ आ गई है सामने, बहुत शुक्रिया।